तो हेलो हिप हॉप के दीवानों, कैसे हो भाई हो आप सब। शुरू करते हैं हसल 3 से। सो मे बी आज के एपिसोड में एक कंटेस्टेंट हसल 3 के सीधा फिनाले में पहुंचने वाला है। किसी एक कंटेस्टेंट को टिकट टू फिनाले मिलने वाला है। एंड आज हसल 3 से दो कंटेस्टेंट्स एविक्ट होने वाले हैं, बाकी तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। खैर, कल गौश की परफॉर्मेंस के बाद कलम इंक ने गौश को टैग करते हुए कहा फाइनेस्ट इन इंडिया। इवन कल गौश ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे थे। आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रैक सुना देता हूं। सो शायद पिछले साल मैंने आपको रैप वाला कवि के कुछ ट्रैक्स सुनाए थे, आपको काफी पसंद भी आए थे उस टाइम। अभी एक साल बाद उनका ट्रैक आउट हुआ है जिसका नाम है प्रोजेक्ट होप। मोटिवेशनल ट्रैक है, थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ। छोटी सी इस जिंदगी में किससे है नाराज तू, कल जब आएगा देख लेंगे, जी ले अपना आज तू। हाँ लड़ना पड़ता है यहाँ पे, मानता है हार, क्यों जगा दे अपने शेर को फिर अंदर से दहाड़ तू। जिंदगी का पहला अक्षर थोड़ा सा घुमा के देख। सो यस, पूरे गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी चेक करो, काफी अच्छा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपडेट बादशाह की तरफ से। सुबादशाह आए थे आपकी अदालत में, जहां बादशाह से पूछा गया जो उनकी लाइन थी एक कि एक था मेरा भाई, आज उसकी याद आई, वो किसके लिए थी। और उसके बाद कमबैक वाली लाइन। इवन बादशाह ने ये भी बताया एक इवेंट में बादशाह हनी सिंह से मिलने गए थे पर हनी सिंह उनसे नहीं मिले। नेक्स्ट अपडेट यो यो हनी सिंह की तरफ से। सो रिसेंट में जो उनके ट्रैक्स आए हैं उन गानों के लिरिक्स रोनियन गिल ने लिखे हैं। फिलहाल हनी सिंह ने अपने रिसेंट शो पे बताया है रोनियन गिल के साथ उनके 18 गाने बन चुके हैं। एक छोटी सी क्लिप आप लोग देख लो। यो यो, ये है दोनों लड़के जिन्होंने ये गाना लिखा, और अब हमने 18 गाने और लिख लिए हैं और बैक टू बैक आते हैं। अब हम बोले कि मेरे नहीं तो ऐसी कैसी करते हैं सबकी। नेक्स्ट अपडेट स्टैन से रिलेटेड। तो स्टैन का ट्रैक बस्ती का हस्ती इस साल 44 मिलियन बार स्ट्रीम हुआ है, ऐसा खुद स्पॉटिफाई ने बताया है। इवन जिस दिन स्टैन बिग बॉस जीते थे उस दिन अराउंड 4.5 लाख लोगों ने उनका बस्ती का हस्ती ट्रैक सुना था। तो बस यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।